नमस्कार सभी को। और फाइनली लीजिए, आ गई है आईएसएल की डेवलपमेंट लीग। तो काफ़ी दिनों से इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि आईएसएल की रिजर्व टीम्स जो है उनको खेलने को कहाँ मिलेगा, क्या वो सेकंड डिवीजन में खेलेंगे, क्या वो आई लीग में खेलेंगे। तो लीजिए भाई, इस चीज़ का जो प्रॉब्लम था वो कर दिया सॉल्व आईएसएल ने, और आईएसएल की रिजर्व लीग या डेवलपमेंट लीग के नाम से अब लीग होगी, जिसमें आईएसएल की रिजर्व टीमें जो होती है वो इसमें हिस्सा लेगी, और इसमें रिलायंस की टीम भी पार्टिसिपेट करेगी। तो ऐसे 9 टीमें इसमें खेलने वाली है, और फरवरी 2022 से जो है ये लीग जो है स्टार्ट हो जाएगी, और मुंबई इसका होस्ट है, मतलब पूरे गेम्स जो है वो मुंबई में ही होंगे, और सब प्लेयर्स को बहुत ही अच्छे सिक्योर माहौल में रखा जाएगा, बायो बबल में। तो वैसे वहाँ पर टीमों का अरेंजमेंट किया जाएगा रहने का, और वहीं पर मैचेस ट्रेनिंग सब वहीं होंगे, जैसे भी आईएसएल हो रहा है गोवा में इस तरीके से। फिर मैं आपको पूरे नाम बता देता हूँ जो जो टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, ताकि आपको जानकारी हो जाए कि भाई ये टीमें इसमें आ ही रही है। तो इसमें एटीके मोहन बागान, बेंगलुरु एफसी, चेन्नईयन एफसी, एफसी गोवा, जमशेदपुर, केरला ब्लास्टर्स एफसी, मुंबई सिटी एफसी और हैदराबाद एफसी, ये आईएसएल की टीम्स हैं, और एक अलग से एक टीम जो है वो रिलायंस की जो एकेडमी है उसकी टीम है। तो भाई ऐसे इसमें टोटल 9 टीम है। तो बाकी के जो आईएसएल क्लब्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, हो सकता है मे बी नेक्स्ट एडिशन से वो भी आ जाएंगे इस लीग के अंदर, तो वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल ये 9 टीम है और आईएसएल की रिजर्व लीग हो रही है। तो जिन प्लेयर्स को अब एक गेम टाइम नहीं मिल पाता था, जो रिजर्व प्लेयर होते थे, तो भाई उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है कि उनको अब गेम टाइम प्रॉपर मिलेगा। और इसी तरह अच्छे अच्छे इनिशिएटिव्स लेना चाहिए एएफएफ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गेम टाइम मिल सके हर प्लेयर को, ना कि सिर्फ आईएसएल प्लेयर्स को, हर प्लेयर को एक अच्छा गेम टाइम मिल पाए, और ताकि वो इम्प्रूव कर सके और हमारे भारतीय फुटबॉल में कुछ योगदान कर पाए, बस यही तो है ना चीज़। और एक और बात आपको खुशी की बता दूं कि भाई मुंबई सिटी जो है वो अपनी रिजर्व टीम के लिए ट्रायल्स लेने वाली है, तो आप थोड़ा अपने आप को अपडेट रखिएगा, मतलब थोड़ा सा कनेक्ट रहिएगा, ठीक है, इंटरनेट पर, कि कब वो ट्रायल लें। तो आप चले जाइएगा जैसे ही ट्रायल्स अगर अनाउंस होती है, ट्रायल की डेट्स, तो किन प्लेयर्स को बुलाते हैं वो तो पता नहीं, तो आप देखते रहिएगा, है ना, इंटरनेट पर ट्रायल्स की अपडेट देखते रहिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे मौके कभी कभी आते हैं ऐसे रिजर्व टीम की ट्रायल्स वगैरह, तो अगर आप उसमें जा पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, आगे मौके आएंगे, ऐसा अभी टेंशन की बात नहीं है, है ना। अभी तो बहुत अवसर पड़े हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आने वाली है एएफएफ के द्वारा, तो आगे अवसर बहुत है। तो आप देख ही सकते हैं कि भाई अब आईएसएल है, आईएसएल एक रिजर्व लीग भी है, फिर आई लीग भी है, फिर सेकेंड डिवीजन आई लीग भी है, तो ऐसे चार थोड़ी सी अच्छी लीग्स हो गई है, और फिर उसके बाद स्टेट लीग्स भी है, तो धीरे धीरे सही माहौल हो रहा है। बस अब एक स्ट्रक्चर में इसको ऐसा बना दिया जाए, है ना, प्रॉपर, तो फिर मज़ा आएगा खेल का, और वो डेवलपमेंट और वो इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था कि खुशखबर कि आईएसएल रिजर्व लीग यानी कि डेवलपमेंट लीग हो रही है स्टार्ट फरवरी 2022 से। तो भाई आप तैयार रहिएगा, जैसे आप आईएसएल को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वैसे रिजर्व लीग को भी देखिएगा, है ना, तो आप में से कई लोग को सीखने को मिलेगा, एज अ प्लेयर अगर आप हो, एज अ कोच, तो आपके लिए थोड़ा सा फायदेमंद हो सकता है, और फैंस के लिए तो भाई फायदा ही फायदा है, ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस मिल रहे हैं इंडियन फुटबॉल के, और क्या हो सकता है कि नहीं। और बस यही मैं आपको बताना चाहता था। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहें, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ नया आपके लिए लेकर आ पाएं, ताकि आपको भी मज़ा आए और आप करीब से फुटबॉल से और इंडियन फुटबॉल से जुड़ पाएं। तो बस इसी के साथ मैं अपनी बात आज की ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।